हेलो दोस्तों नमस्कार। तो आज का हमारा वीडियो नंबर है कि अपने चेस्ट को तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत भाइयों को जो चेस्ट है सिंपल चेस्ट होता है, एकदम झंड पर्सनालिटी रखते हैं, इस कंधे में लटके लगते हैं। और आपका चेस्ट है भाई चौड़ा एकदम ऊपर की तरफ चेस्ट है, और आपने मतलब टी शर्ट वगैरह पहले और गली मोहल्ले में कहीं पर भी भीड़ में निकल गए तो भाई भीड़ से आप अलग ही लगने वाले हो, और कहीं पर भी खड़े हो गए नो इस कंडीशन में तो भाई लोग कहेंगे उसका चेस्ट कितना चौड़ा है और इसका चेस्ट एकदम ऊपर की तरफ है, तो भाई ऐसा चेस्ट मुझे भी बनाना, लोग आपसे टिप्स लेने लगेंगे। तो भाई उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा जिससे कि आपका चेस्ट एकदम तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर होने से किसी का बाप आपको नहीं रोकने वाला है। तो टाइम वेस्ट क्यों करना, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। तो भाई हम पहली एक्सरसाइज जो लगाएंगे उसमें लगाएंगे हम 3 वेरिएशन के साथ, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 2 ईंट ले रखे। भाई आपके पास ईंट नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खेत वगैरह में कहीं पर भी आप वर्कआउट की कोशिश कर रहे हैं करने की, तो भाई आपको किसी डोल वगैरह पे ऊंचे वगैरह पे अपने हाथों को बाइट कर लेना और वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो। तो भाई मैंने यहाँ पर जमीन में ईंट गड़ा दी है 2 इस कंडीशन में। तो हमें अपनी बॉडी को पुशअप्स के कंडीशन में लाना है। तो इस कंडीशन में बॉडी को पुशअप्स के कंडीशन में लाते हुए इस कंडीशन में कंडीशन बढ़िया रखने का तरीका बढ़िया रखना है, और बॉडी को यहाँ पर सीधा रखेंगे इस कंडीशन में। तो हम लगाएंगे यहाँ पर 3 वेरिएशन के साथ इस वर्कआउट को। तो यहाँ पर सिलो नीचे गए और हमें यहाँ पर 3 पुशअप्स लगानी है इस कंडीशन में, 1 2 3 इस कंडीशन में। और यहाँ पर हमें फिर से लगानी है 3 पुशअप्स इस कंडीशन में, थोड़ा ऊपर इस कंडीशन में। तो 3 यहाँ पर हो गई, और अब हमें लगानी है ऊपर की तरफ 3 इस कंडीशन में, पूरा ऊपर यहाँ पर हाफ गए इस कंडीशन में। ये तो ये हो गया हमारा एक सेट। तो भाई आप इसमें रेपिटेशन ज़्यादा भी निकाल सकते हो, यानी कि 5 अपने आपने नीचे निकाली और 5 आप ऊपर निकाल सकते हो, 5 फिर उससे ऊपर निकाल सकते हो। तो भाई ये हो गए हमारे 15 रेपिटेशन। तो इससे आपका जो चेस्ट एकदम तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर होने से किसी का बाप आपको नहीं रोकने वाला पहले ही दिन से। तो ये वर्कआउट आपको दोबारा से बता रहा हूँ फिर से इस कंडीशन में। तो सिलो हमें नीचे आना इस कंडीशन में, और यहाँ पर हमें फिर से रेपिटेशन वही निकालने इस कंडीशन में। ये यहाँ पर निकाले रेपिटेशन और फिर वो थोड़ा ऊपर निकाले, और फिर हमें ऊपर आ जाना पूरा इस कंडीशन में, फिर से नीचे थोड़ा, फिर से ऊपर, इससे नीचे, और स्क्यूज करके पूरा। जब हम ऊपर वाले रेपिटेशन निकालते हैं तो इसमें हमें थोड़ा स्क्यूज करना चाहिए, इसको स्क्यूज करेंगे तो इससे हमारा जो चेस्ट है और ज़्यादा टारगेट होगा और ज़्यादा एकदम पूरा पंप होगा अच्छी तरीके से। तो ये वर्कआउट हम इस कंडीशन में करा, और अगला वर्कआउट लगाएंगे हम डायमंड पुशअप्स, जो कि एकदम हमारे चेस्ट को तकड़ा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो हमें यहाँ पर ईंटों को रख लिया इस कंडीशन में, ईंटों को यहाँ पर रख लिया हमने। और भाई ईंटों का नाम सुनते ही बहुत भाई क्या करते हैं, हंसने लगते हैं कि ईंटों से वर्कआउट कर रहा है, क्या मसल बनने वाली है इसकी। तो भाई उनको नहीं पता है, मतलब जिसको नॉलेज नहीं होती है तो वो ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं आपका। तो भाई आपको जो अपना टारगेट रखना, अपना वर्कआउट पे रखना, मसल पे लोड आ रहा है, ये आपको मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता किस चीज़ से वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ईंटों को रख लेना है इस कंडीशन में, और फिर से हमें अपनी बॉडी को पुशअप्स की कंडीशन में लाना है। ये हम लिया है पुशअप्स की कंडीशन में, और सिलो हमें नीचे जाना है इस कंडीशन में, सिलो नीचे की तरफ, और ये ऊपर स्क्यूज करना है। और इसमें हमें फिर से निकालने हैं 2 रैप इस कंडीशन में नीचे, ये 1 2 और ये 3 इस कंडीशन में। और फिर से हमें पूरा रैप निकालना है, नीचे गए स्क्यूज करा, और यहाँ पर सिलो नीचे इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में। तो इससे हमें क्या होगा कि हम मतलब थोड़ी अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल और ज़्यादा टारगेट होगी और ज़्यादा मतलब पंप होगी। तो वही मतलब हमारी मसल ज़्यादा टारगेट होगी, हमारी मसल पे ज़्यादा लोड आएगा, तो हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो सीन है वो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम तकड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमारी मसल ट्रेन नहीं होती तो हमारी मत कोई सी मसल हो, हमारी मसल का साइज आकार नहीं बढ़ पाता है। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करा, और भाई 3 से 4 सेट के साथ इस वर्कआउट को आप फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको दो एक्सरसाइज बताई है। तो अब हम लगाएंगे अगला वर्कआउट, अब हम लगाएंगे तीसरा वर्कआउट। तो हमें यहाँ पर इस कंडीशन में सिंपली बैठ जाना है और यहाँ पर दोनों ईंटों को उठा लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों ईंटें उठा ली हैं। तो ये दोनों ईंटों को उठाने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर पूरा एकदम चेस्ट पे लोड डालना, आगे की तरफ इसकी यूज करना है, पर थोड़ा होल्ड करना है कि वो जब हम होल्ड करते हैं भाई बहुत बार कह रहे हो होल्ड ये क्या होता है। तो जिस टाइम हम अपनी मसल को इसकी यूज करते हैं, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर ना और ज़्यादा मतलब मसल पे ज़्यादा लोड आता है, और हम सिंपली ये मारते रहेंगे तो हमारी मसल पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, और लोड आएगा तो भाई आपका चेस्ट तकड़ा होने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो लोड डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बना के रखना, मतलब पंजों पर यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो इस कंडीशन में आप बैठ के इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। तो सिलो ऊपर की तरफ और यहाँ पर थोड़ा होल्ड, ये पूरा एकदम चेस्ट पर टारगेट है, चेस्ट की मसल एकदम अच्छी तरीके से पंप हो रही है, अच्छी तरीके से ट्रेन हो रही है। पूरा स्क्यूज आगे की तरफ इस कंडीशन में, सिलो नीचे और ये स्क्यूज। तो इसमें इस वर्कआउट में हमें झटके नहीं लगाने हैं, क्योंकि बहुत बार कर रहे हैं पाल करते हैं और उन्हें मतलब मसल पे लोड नहीं आता है। तो भाई ऐसा मत करो, एकदम मतलब फील करके वर्कआउट करो। अपने माइंड में ये डालो कि मेरी मसल पे लोड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये मत करो कि मतलब दिखावा कर रहे हो वर्कआउट का, क्योंकि दूसरा लोग मुझे देख रहा है, मतलब दूसरे आदमी देख रहे हैं वर्कआउट करने के लिए और मैं पेलम पाल कर रहा हूँ, ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, ये कभी मत करो। तो भाई ये वर्कआउट हो चुका है फाइनल और मैंने 3 वर्कआउट आपको बताया है, तो पूरा एकदम चेस्ट पूरा एकदम पंप हो चुका है, पूरा बढ़ चुका है। तो इसी कंडीशन में आप वर्कआउट को फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आपका चेस्ट तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर होने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो भाई आप कहीं पर भी खड़े हो गए ना इस कंडीशन में चेस्ट को निकाल के, तो भाई लोग कहेंगे उसका चेस्ट क्या तगड़ा लग रहा है, एकदम मस्कुलर लग रहा है, बवाल टाइप लगोगे एकदम आप। और आपने 30 सेट निकाल दिए तो भाई लोग आपके फैन ही होने वाले हैं। तो वर्कआउट को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आता तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टॉपिक बनानी है कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।